एक पुरानी कहावत है, आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से। दुनिया के 7 अजूबों में सिर्फ गीजा का ये महान पिरामिड ही बचा हुआ है, जो वक्त का मार 4500 वर्षों से झेलते हुए अभी तक खड़ा है। ये अभी भी रहस्य बना है कि उस जमाने में इतना विशाल पिरामिड कैसे बनाया गया होगा। उस समय तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना के बराबर थी। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आप इस पिरामिड से जुड़े ऐसे बातें जानोगे जो पहले कभी नहीं जानते होंगे। नंबर 1, इस पिरामिड को बनाए 4500 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब भी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उस जमाने में ये विशाल पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे, क्योंकि उस समय तो एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनें भी नहीं थी। यहाँ तक कि उस समय लोहे की भी खोज नहीं हुई थी। उस समय तो सिर्फ कॉपर ही था, जो कि एक सॉफ्ट मेटल है। नंबर 2, पिरामिड को प्राचीन इजिप्ट के राजा के कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। उस जमाने के लोगों को यह विश्वास था कि मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखा जाना चाहिए, ताकि अगले जन्म में वो उस शरीर को पा सके। इसलिए उसके सभी जरूरतों के सामान और खजाने को भी दफना दिया जाता था। नंबर 3, उन लोगों का मानना था अगर शरीर को ममीफिकेशन कर दिया जाए तो शरीर को खराब होने से बचाया जा सकता है। ममी बनाने की जो प्रक्रिया थी वो इस प्रकार थी। सबसे पहले तो मृतक के शरीर को धोकर सुखाया जाता था, फिर उसके सारे अंग निकाल दिए जाते थे, लेकिन हृदय यानी दिल को नहीं निकाला जाता था। उन लोगों का मानना था कि दिल बुद्धि और भावना केंद्र होता है। मृतक के शरीर को सड़ने से बचाने के लिए उस पर विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था। उसके बाद मृतक के शरीर पर परत दर परत कॉटन या लिनन की पट्टियों से लपेट दिया जाता था। ऐसा करने में करीब 70 दिन का समय लग जाता था। ये सब हो जाने के बाद उसे पिरामिड में दफना दिया जाता था, और इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी वे ऐसा ही करते थे। नंबर 4, एक अनुमान के अनुसार गीजा के पिरामिड को बनाने में 20 लाख से भी अधिक पत्थरों के टुकड़ों का इस्तेमाल हुआ था, जिनका वजन 2 से 30 टन था और कुछ का वजन तो 45,000 किलोग्राम तक था। यह अनुमान लगाया गया है कि गीजा के पिरामिड को बनाने के लिए 50 लाख टन लैमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टर का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 5, गीजा के महान पिरामिड को बनाने में 23 वर्षों का समय लगा था। इस महान पिरामिड को बनाने में करीब 1,00,000 मजदूरों ने काम किया। एक्सपर्ट्स को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन भारी भरकम पत्थरों को कैसे एक के ऊपर एक सजाया गया होगा, कैसे उन लोगों ने नामुमकिन काम को मुमकिन किया होगा। नंबर 6, इस महान पिरामिड को इस प्रकार बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, बाहर का तापमान चाहे जितना हो। नंबर 7, वैसे तो मिस्र में अब तक 138 पिरामिड खोजे जा चुके हैं, लेकिन उनमें से गीजा शहर के इन 3 पिरामिड ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा पिरामिड है वही इन 7 अजूबों में शामिल था। यह पिरामिड मिस्र की राजधानी
काहिरा में स्थित है। इसे ही गीजा का महान पिरामिड कहते हैं, जो चौथे वंश के महान शासक खुफू ने इसे 2560 वर्ष ईसा पूर्व में बनाया था। इसे खुफू का पिरामिड भी कहते हैं। वो अपने कब्र के लिए इसे बनवाया था, जो कि नील नदी के किनारे से थोड़ी दूर पर है। नंबर 8, गीजा के इस महान पिरामिड की ऊंचाई पहले 481 फीट थी, लेकिन ऊपर से 26 फीट ढह जाने के कारण यह अब 455 फीट रह गई है। नंबर 9, गीजा पिरामिड की बगल में एक और पिरामिड है, जिसे खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। इसका निर्माण 2570 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसकी ऊंचाई 471 फीट थी, लेकिन अभी इसकी ऊंचाई घटकर 448 फीट रह गई है। और ये स्टेचू भी इसी पिरामिड का हिस्सा है। इसका सर तो इंसान का है, लेकिन धड़ जानवर का। इसे स्फिंक्स कहते हैं। नंबर 10, गीजा का तीसरा पिरामिड तीनों में सबसे छोटा है। इसका निर्माण 2510 ईसा पूर्व में मेनकायर ने करवाया था। इस पिरामिड की ऊंचाई पहले 225 फीट थी, लेकिन अभी इसकी ऊंचाई घटकर 213 फीट रह गई है। नंबर 11, गीजा का यह महान पिरामिड 43 सदियों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचनाओं में से एक रहा, लेकिन सन 1311 में जब इंग्लैंड में लिंकन गिरजा घर बनकर तैयार हुआ, तो पिरामिड का ये रिकॉर्ड टूट गया। लिंकन गिरजा घर की ऊंचाई 482 फीट है। नंबर 12, गीजा के महान पिरामिड का वजन लगभग 57,50,000 टन है। अगर आप इसे किसी और इमारत से तुलना करना चाहते हैं, तो दुनिया का सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जिसका वजन केवल 5,00,000 टन ही है। नंबर 13, कई सदियां बीत जाने के बावजूद इतने अच्छे तरीके से बचा रहने का कारण है इसमें उपयोग किए गए सुपर एडियोसो मोर्टर, जो इसे मजबूत बनाए रखा है। नंबर 14, पिरामिड में नींव के चारों कोने के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं, ताकि इसे भूकंप और उष्मा से सुरक्षित रखा जा सके। नंबर 15, कहा जाता है कि पिरामिड से ही गणित का जन्म हुआ है।